हेलो दोस्तों आप सभी का स्वागत है DNS इन्फो में और आज आप सबके लिए एक लेटेस्ट अपडेट है जी हाँ दोस्तों अगर आप काशी विद्यापीठ के छात्र हैं या फिर आपका कॉलेज काशी विद्यापीठ से एफिलिएटेड है तो आज का ये वीडियो आप सबके लिए है और आप सबको देखना भी चाहिए दोस्तों आज के इस वीडियो में जो भी लेटेस्ट अपडेट है आज की वो हम आपको बताएंगे साथ ही साथ हम आपको आज के इस वीडियो में ये भी बताएंगे कि आपका जो एडमिट कार्ड है यानी कि जब भी आपका एनुअल एग्ज़ाम होगा सेमेस्टर एग्ज़ाम होगा तो आपका एडमिट कार्ड कब तक आएगा आपका टाइम टेबल कब आएगा और आपकी परीक्षाएं कब तक होंगी सब कुछ दोस्तों हम एक एक करके आज बताएंगे वीडियो को आप आखिर तक ज़रूर देखिएगा ताकि आप सबके डाउट्स क्लियर हो जाए और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विज़िट कर रहे हैं तो आप डी एन एस इन्फो को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी आप जरूर प्रेस कर लें जिससे आपको इसी प्रकार की हर एक अपडेट की नोटिफिकेशन सबसे पहले टाइम पे मिल सके देखिए दोस्तों आज का ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि हमने देखा है लास्ट टाइम पे हमने देखा और कई सारे वीडियोस के कमेंट बॉक्स में हमने आप सबके कमेंट को रीड किया है और आप सभी की यही क्वेरी है कि सर पेपर कितने घंटे का होगा एडमिट कार्ड कब आएगा टाइम टेबल कब आएगा मेरा फर्स्ट सेमेस्टर है मेरा एग्ज़ाम कब होगा मेरा सेकेंड ईयर है मेरा एग्ज़ाम कब होगा मेरा थर्ड सेमेस्टर है मेरा एग्ज़ाम कब होगा और मेरा लास्ट ईयर है या फिर थर्ड ईयर है मेरी परीक्षा कब होगी देखिए दोस्तों एक एक करके हम आपको सब कुछ बताएंगे प्लीज़ इस वीडियो को आप एंड तक देखिएगा लेकिन दोस्तों सबसे पहले हम आज की इस अपडेट को पढ़ेंगे जो काशी विद्यापीठ के थ्रू जारी किया गया है यहाँ दोस्तों क्या कुछ लिखा है कि तीन घंटे के स्थान पर डेढ़ घंटे की होगी परीक्षा यानी कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ ने वर्तमान सत्र से स्नातक सेमेस्टर प्रणाली लागू कर दिया है वहीं स्नातक प्रथम सेमेस्टर की परीक्षाएं मार्च के द्वितीय सप्ताह से प्रस्तावित है विश्वविद्यालय प्रशासन ने इस वर्ष भी परीक्षाएं तीन घंटे के स्थान पर डेढ़ घंटे में कराने का निर्णय लिया है वहीं पूर्णांक सौ अंकों का ही होगा विश्वविद्यालय प्रशासन ने सत्र दो हज़ार की परीक्षा में प्रश्न पत्रों का प्रारूप भी बुधवार को जारी कर दिया इसके तहत स्नातक प्रथम सेमेस्टर तृतीय खंडों में प्रश्न पूछे जाएंगे प्रथम खंड में परीक्षार्थी को पांच लघु उत्तरी अधिकतम जिसका पचास शब्दों में दूसरे खंड में लघु उत्तरी जिसमें आपका अधिकतम सौ शब्दों में और तीसरे खंड में दो लघु उत्तरी प्रश्न अधिकतम तीन सौ शब्दों में जो है कि प्रश्नों के उत्तर देना होगा हालांकि दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि फर्स्ट सेमेस्टर का जो एग्ज़ाम का जो पैटर्न है या फिर मॉडल पेपर है वो भी हमने एक वीडियो में डिस्कस कर दिया है और सेकेंड ईयर व थर्ड ईयर का जो मॉडल पेपर है वो भी हमने कल के वीडियो में डिस्कस कर दिया है अगर आप में से जिन लोगों ने जिन छात्रों ने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो उन वीडियोस को आप जा के हमारे चैनल पर देख लें बाकी हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी हम उन वीडियोज़ को डाल देंगे अब दोस्तों इस पूरे नोटिफिकेशन का मतलब ये है कि काशी विद्यापीठ की जो तैयारी है वो जो है कि सेकेंड मार्च के सेकेंड वीक से काशी विद्यापीठ की तैयारी है कि सो सेमेस्टर की परीक्षा है यानी कि प्रथम सेमेस्टर और तृतीय सेमेस्टर यानी कि फर्स्ट सेमेस्टर एंड थर्ड सेमेस्टर की जो परीक्षाएँ हैं वो काशी विद्यापीठ चाहता है कि मार्च के आखिर तक शुरू कर दिया जाए हालाँकि दोस्तों संभावनाएं यहीं जताई जा रही है और जहाँ तक तो उम्मीद हमें भी है कि एक हफ्ते के अंदर आपका टाइम टेबल वगैरह भी आ जाएगा हाँ दोस्तों एक हफ्ते के अंदर आठ दिन दस दिन या फिर बहुत जाएगा तो पंद्रह मार्च से पहले आप सबका टाइम टेबल आ जाएगा सबका सेंस ये है कि जिनका फर्स्ट सेमेस्टर है और जिनका थर्ड सेमेस्टर है यानी कि दोस्तों मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आपका फर्स्ट सेमेस्टर है मान लीजिए कि अगर आपका बी ए बस सी बी कॉम या एम एम एस सी एम कॉम फर्स्ट सेमेस्टर है या फिर आपका थर्ड सेमेस्टर है ठीक है अगर आपका थर्ड सेमेस्टर है एम एम एस सी एम कॉम का या फिर एग्रीकल्चर थर्ड सेमेस्टर तो आपका टाइम टेबल एक हफ्ते डेढ़ हफ्ते के अंदर जारी हो जाएगा और आपकी परीक्षाएँ मार्च के आखिर तक या फिर अप्रैल के फर्स्ट वीक तक शुरू हो जाएंगी जहाँ तक दोस्तों टाइम टेबल की बात है तो आपका टाइम टेबल भी एक हफ्ते के अंदर जारी हो जाएगा ठीक है एक हफ्ते के अंदर टाइम टेबल वगैरह भी आपका जारी हो जाएगा और एडमिट कार्ड जैसे दोस्तों टाइम टेबल जारी होता है उसके एडमिट कार्ड उसके बाद एडमिट कार्ड आपका जारी होगा और नोटिस आती है ऑफिशियली और हम आपको आपका एडमिट कार्ड आएगा दोस्तों हम आपको बता देंगे कि आपको अपना आपको अपना एडमिट कार्ड कैसे प्राप्त करना है या फिर आपको ऑनलाइन अपना एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करना है सब कुछ दोस्तों हम आपको बता देंगे इसके लिए आपको घबराने की जरूरत नहीं है केवल आपको इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना है ताकि आपको हर एक अपडेट सबसे पहले वह टाइम पर मिले तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया और आप जानते भी हैं कि डेढ़ घंटे की परीक्षा इस बार काशी विद्यापीठ व जितने भी अटैच्ड कॉलेज हैं उनमें कराई जाएगी ठीक है एडमिट कार्ड कब तक आ जाएगा यानी कि एडमिट कार्ड कब तक आएगा इसका मैंने बता दिया कि जैसे टाइम टेबल जारी होगा उसके बाद आपका एडमिट कार्ड वगैरह भी आ जाएगा दोस्तों अगले हफ्ते तक उम्मीद है कि आपका जो है जो टाइम टेबल है वो जारी होगा और मार्च के आखिर या फिर अप्रैल के फर्स्ट वीक से आपकी परीक्षाएँ शुरू हो जाएंगी अब दोस्तों हम बात करते हैं कि जो हमारे सेकेंड ईयर के छात्र हैं और थर्ड ईयर के ठीक है तो देखिए सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर का जो एग्ज़ाम है वो अप्रैल या मई या फिर जून में भी जा सकता है जी हाँ दोस्तों आपकी परीक्षा थोड़ी सी लेट होगी पहले हमारे फर्स्ट सेमेस्टर यानी कि जिनका फर्स्ट सेमेस्टर है और जिनका थर्ड सेमेस्टर है सबसे पहले परीक्षा उनकी होगी उसके बाद जो हमारे छात्र हैं सेकेंड ईयर और के उनका हो सकता है कि अप्रैल के आखिर में या फिर मई या फिर जून में आपकी परीक्षा करा जाए फिलहाल दोस्तों आज के इस वीडियो में केवल इतना ही कोई भी अपडेट आई काशी विद्यापीठ से तो हम आपको कि आपको सबसे पहले इन्फॉर्म करेगा